धन्य हो और प्राण।
इसलिए उन्हें जीवन का धन बनाए तुम लोग, उनको भगवान को अपने गुरु को जीवन का धन बनाए, गुरु जी के विचार को अपनाए तो सही। जितना अपनाए, जितना जरा जरा सा अपनाए उसका तो परिणाम बहुत अच्छा है। गुरु जी कहते हैं हमें अच्छी तरह से याद है, बोले एक माँ दस दस माँ, एक बेटा दस दस बेटे, ये मार्ग में ऐसा होता है, किसी एक के लिए नहीं तरसता है भक्त, भक्त को तरसना खत्म हो जाता है। नहीं तो संसार में की गति ये कि अपने बिल्कुल बगल में होगा उसके लिए भी रो रहे होंगे, उसके फलाना ऐसा नहीं करता, ढिमकाना ऐसा नहीं करता, फलानी ये नहीं करती, ढिमकानी। गुरु जी ने तो हम लोगों को अपना धन दे के, अपना ज्ञान दे के ऐसे धन से नवाजा है कि जब चाहो जैसे चाहो हमेशा प्रकट हो जाते हैं, ऐसा प्रकट होते हैं जैसा चाहो, जैसा धन चाहो संसार का वैसा वो प्रकट हो जाता है। जैसी जरूरत हो, जय सतगुरु की वो महिमा बताना जा रहे थे, रात में भूल गए थे, अभी याद आई। ऐसा हुआ था, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जूम चलाने के वीडियो बनाने की बड़ी इच्छा थी, तो हम कोशिश कर रहे थे, बना नहीं पा रहे थे, लेकिन दिमाग से उत्तर की बात खत्म हो गई। दूसरे तीसरे दिन एक गार्जियन का फोन आया, मैम हमने एक वीडियो बनाया जूम चलाने का बच्चों के लिए, अगर आपको ठीक लगे तो डाल दीजिएगा। हमने देखा तो उसने वही जूम बना दिया जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे कि जूम कैसे चलाते हैं, वो हो गया कि हमने। और कल हमने अलमारी खोली तो हमारा मन पहले भी आया था विचार, चला गया दिमाग से, तो कुर्ता देख के लगा इसकी शलवार व्हाइट कलर की, बात दिमाग से उतर गई थी। दोपहर में सुरेखा भाभी का फोन आया, दीदी वो एक व्हाइट शॉल खरीदी है, आप उसकी शलवार बनवा लेना। हमने कहा गुरु जी तुम कैसे ऑनलाइन रहते हो, मन में विचार उठता इधर पूरा कर देते। ऐसी महिमा, यही दूध वाली महिमा हुई थी हमारे साथ, तो दूर जाना पड़ता था लेने के लिए, बहुत परेशान होते थे, लेकिन होते थे परेशान, लेकिन एक दिन बिल्कुल जैसे हार गए। और जाने के लिए खड़े इतनी देर में माता जी निकली, पूछने लगी तो बोली अब कहाँ जा रही हो हाल चाल लेके, अरे दूध लेने जा रहा है। बोली तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं लेती हो, और जो हम चाहते थे भैंस का दूध वही सामने दूके दे रही है, प्योर दूध बिल्कुल सामने है, बस निकलो, दो मिनट का रास्ता नहीं है। हमने कहा वाह प्रभु इतने रूपों में तुम मदद कर रहे थे, ऐसी छोटी छोटी बातों में बड़ी महिमा गुरु जी की दिखती है, जब बड़ी जरूरत होती तो बड़े में भी प्रकट होते हो, हर पल क्या करते हैं हमारी। उस दिन आपने भेज दिया था जैसे ही हम बस में बैठे और बस तुरंत चल दी, हमें लगा गुरु जी रोके हुए थे कि सुमान आ जाएगी तभी तू चलना, उसी समय बैठते ही चल दी बस। अब वचन देखा हमने वाह प्रभु जय गुरु की। हमको भी बतानी कल की, कल हमको आपके से टाइम की सेटिंग है, आपने हमें भेजा और हमको दोनों आपकी दोनों शॉप पे काम था और बाजार में काफी काम था, हमने सब काम करते हुए बिल्कुल लास्ट में बड़े बाजार वाली शॉप पे अपना सब सामान रख के और हम सामान लेने गए कटरे में। कटरे से जब लेके निकल रहे थे देखा कि बाजार ऐसे फटाफट, लोग जो बाहर अपना लटकाते हैं सामान स्टैचू भारत के, सब ऐसे फटाफट अंदर बंद कर रहे थे। हमने आके दुकान पे बोला, देखा गुरु जी की कृपा, हमारा पूरा काम निपटा और बाजार बंद होने लग गया। जबकि हम जब सोच रहे थे, आपसे कह भी रहे थे कि कल तो बाजार खुलेगा नहीं, कल तो बाजार खुलेगा नहीं, पता नहीं हमारे लिए ही। और टाइम की सेटिंग देखिए कि आपने कहा जाओ तुरंत निकल गए और पूरा काम होके और बाजार बंद हो गया। हमें इतनी वो लग रहा था, ताज्जुब लग रहा था कि कैसा चमत्कार हुआ है ये कि हमारा काम निपटा और बाजार बंद हो गया। ऐसी कृपा हुई, ऐसी महिमा है कि टाइम की सेटिंग क्या हो गजब की है। यही गुरु जी का धन है, अपना धन गुरु को बना ले हम लोग जीवन में, तो ये दिखाई देगा कि समय का धन भी, समय भी धन है, पानी भी धन है, रुपया भी धन है,
महसूस होगा अपने जो इंद्रियां हैं वो भी उन्हीं का तो दिया हुआ धन है, तो बोले सबकी संभाल। अभी जैसे एक बच्चे को अपने रखते हैं तो कैसे संभाल के रखते हैं, अच्छा दूसरे के बच्चे को ले आया कह दे कोई ये इस बच्चे को बड़े कायदे से रख लीजिएगा हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो पूरा परिवार उस बच्चे को रखने में मदद भी करने लगता है, क्यों क्योंकि मालूम है 4 दिन के लिए छोड़ गया भैया सही सलामत उसका बच्चा उसे पहुंचा दे। तो ये जो विचार होता है तो बोले सब लोग संभाल, घर के सब लोग उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही जो है भगवान जब हम अपना धन मानते हैं उनको, नाम को धन, गुरु जी ने कहा है ना गुरु नाम दाता मेरी संपदा, गुरु नाम धन जब हम अपने जीवन में इकट्ठा करने लगते हैं, इकट्ठा होता सुनना है रोज 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 अभ्यास के द्वारा, नाम रूप धन हम बड़ा इकट्ठा करने में लगे मन है, नाम रूप धन इकट्ठा करने की कोशिश में रहता है, लेकिन गुरु नाम धन इकट्ठा करो, देखो गुरु के विचार से जो है ना ये इंद्रियों का ब्रह्मचर्य व्रत रखो, इनको ब्रह्म के हिसाब से यानी गुरु ब्रह्म है ना हमारा, तो गुरु के विचार से हम खोले तो ये बोले ब्रह्मचर्य में रहना ये भी तो है। तो ऐसे जब रहने लगते हैं हम लोग अभ्यास करते हैं, अंदर करते हैं बाहर नहीं है अभ्यास, बाहर तो खेल है, उस खेल में अभ्यास हम क्या कर रहे हैं, हम नाम रूप का अभ्यास कर रहे हैं कि ब्रह्म का अभ्यास कर रहे हैं कि सब खेल उससे हो रहा है, ये नाम रूप तो जड़ है। तो और अपना रोल बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि अपने अपना रोल अपने गुरु के विचार से करते हैं, तो देखो तुमको और हमको कैसा भगवान चारों तरफ प्रकट दिखता है, सच बता रहे हैं, लेकिन गुरु की उस समय छोटी छोटी बातों को बस मानना पड़ता है, नन्ही नन्ही बातों यस मैन होना पड़ता है, हम लोग यस मैन शायद पूरे हो भी नहीं पाए लेकिन उसके बाद भी गुरु जी की कृपा बड़ी मिली क्योंकि उनको राइट मानना, वो हमारे हैं। शुरू में परीक्षा रूप में कह लो या जो अभ्यास नहीं होता उसके द्वारा सब कुछ गुरु का लगता है, थोड़ा बहुत उलझन होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होने लगता है वैसे वैसे इसमें मजा आने लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पीछे कौन संभालता है, हम 5 दिन का हम बुखार हुआ था, 5 दिन का कोर्स करके आपके पास गए थे और हमको ताज्जुब लग रहा था कि मतलब इतना ज्यादा ताज्जुब लग रहा था, एक आध बार अंदर में चिंता भी आई थी सबको देख के कि मतलब एक को बुखार हुआ तो सबको 6 को हुआ है, हम पहुंचे थे आपने कहा भी कि तुम्हें डर नहीं लगा आने में, हमने कहा आपसे आपसे तो बोला कि नहीं हम 5 दिन का कोर्स करें, लेकिन अंदर में था कि आपसे हम बीमार होंगे, आपसे तो हम ठीक होते हैं, और एक आध बार हमको चिंता आई थी कि जब सबको देखा था कि एक को बुखार हुआ है और 6 को हो गया तो हमें लगा था हम तो तीनों एक ही कमरे में थे और हमसे बड़ी बहन ने बोला भी था कि तुम अलग हो जाओ इन लोगों से, लेकिन एक वो टीवी के मारे एक अपने बिस्तर के आराम के मारे नहीं हटे थे, तीनों एक ही जगह रहे, और एक दो बार आपके पास थे चिंता आई थी कि कहीं इनको तो बुखार नहीं चढ़ गया इन दोनों को, तो एक ही बार मानसी का फोन आया उससे पूछा था बेटा पापा भाई को तो नहीं चढ़ा क्योंकि उन लोगों को मना कर दिया था हमारे घर आने को, और इतना ताज्जुब इतना ज्यादा मेरे को ताज्जुब अंदर ही अंदर हो रहा था कि कैसे वो पीछे रक्षा करे हुए है कि हम तीनों एक जगह रहे और केवल हमें हुआ और उन दोनों को नहीं हुआ, जबकि जिसके घर में सुन रहे हैं एक को हुआ तो सब हो रहे हैं, तो पीछे से इतना इतना ज्यादा यकीन हो रहा था कि पीछे से हम क्या संभालेंगे जो बैठ के गुरुजी आप लोग संभालते हैं पीछे से उनकी रक्षा करते हैं, चमत्कार लग रहा था मेरे को तो ये बिल्कुल इस बार ये वाला जय सतगुरु की, ये है पक्की बात है, जब हम लगे रहते हैं गुरुजी में तो फिर गुरुजी हमारी सबकी देखभाल करते हैं, कहते ना बहुत बड़ा धन है, आज यही बात बार बार आ रही है दिमाग में कि तुम मेरे जीवन के धन हो, ऐसे कह
कैसे बताएं, भगवान इतने रूपों में आता है, इतने रूपों में तो बार बार यही लगता है कि हम लोग एक संबंध के लिए तरसते हैं, और अगर एक ईश्वर एक गुरु के विचार से गुरु को अपना बना लो तो सारे संसार से तरसना खत्म हो जाएगा। संसार में हो या ना हो कोई, कभी तरसना नहीं होगा, क्योंकि हर जगह वो प्रकट हो जाएगा हमारे तुम्हारे लिए। कभी अकेले हम है ऐसा सोचना भी ना, सोचे भी ना, दूर है अकेले है, बोले हमारा एक लोगों का एक साथी है, बहुत प्यारा वजन में है ना, मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला, मिल लेना उस जैसा। वो जग से निराला, मैंने आपको बताया था तुलसी और काली मिर्च लगा के कहिए, वो खाते नहीं वहाँ? खाते हैं दीदी, खाते हैं। नहीं आप रेगुलर नहीं खाते हो? हाँ रेगुलर, रेगुलर नहीं खाते, किसी की ड्यूटी लगा दी थी? ड्यूटी सबके सब है भगवान कृपा। और क्या आप इतनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हो, एक छोटी सी ड्यूटी कोई भी कर सकता है। सब लोग करने के लिए तत्पर है, नहीं तो आप आ जाओ लखनऊ, जब ठीक हो जाएगी तब जाइएगा। अभी मालूम है एक पता नहीं क्या अंकुर ने बताया यूट्यूब पे, तो उससे जो है ना बहुत बलगम निकल रहा है, बड़ा आराम है उससे, बलगम बहुत निकल रहा है, जैसे तो लग रहा है जैसे जाने कहाँ का बलगम है। कभी निकलता नहीं था ऐसा बलगम, कभी नहीं निकलता था, व्यायाम वगैरह करते हैं एक्सरसाइज, ऐसा बलगम निकलता है पूरी डिब्बी भर जाती है। और अपने आप जरा सी एक्सरसाइज का मतलब प्राणायाम की एक क्रिया करो, उसी से इतना निकलने लगता है। नहीं पर ये निकलना कोई वो थोड़ी, हम लोग तो बने ही बलगम के, बाकी वो तो निकले गए। मुझे लगता है अंदर बन रहा होगा ये तो फिर, है ना। हाँ अच्छा, दवा आप ये तुलसी वाला जरूर करिए, बहुतों को फायदा हुआ है, आपको भी हो जाए। नहीं तो हमने आपसे कहा एक ऑप्शन लखनऊ आ जाएगी। समा तो ना पक्की बात है, आज से करेंगे। तुलसा नहीं, तुलसी में, तुलसी पत्ती में किसी हुई काली मिर्च ऐसे ऐसे करके चूने की तरह लगा के क्या खाते हैं। हाँ एक बस एक, हाँ पढ़िए बिनु। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। कर्म कोई भी करो पर वृत्ति भगवान में रखो। कभी कपड़ा बुनते थे, रैदास जूता बनाते थे, सदरा कसाई मांस बेचता था, पर इन सभी का नाम संतों में गिना जाता है। कारण उनकी वृत्ति परमात्मा में टिकी थी। कर्म तो जो हमको मिला है करना ही पड़ेगा, राम में डूब कर काम करना अच्छा नहीं होता, दूसरे पर आश्रित होना अच्छा नहीं। गीता का ज्ञान चारों योगों से पूर्ण है, इन चारों योगों में जो पूर्ण होता है वही मुक्त होता है। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, उसके लिए योगी से संबंध बनाए रखना चाहिए। ज्ञान भी तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य गुरु से जुड़ा। सबसे बड़ा योगी अपना गुरु, सबसे बड़ा योगी गुरु ही तो है, जो हर समय अपने देह भाव में होते हुए भी देह भाव में नहीं, हर समय भगवान से संबंध जोड़ के हर समय जो है क्या करते रहते थे। हम लोग ने बहुत देखा है क्या करते रहते हैं, तभी तो हम लोगों को महसूस होता है कि जैसे सबसे बड़े उस योगी से अपने गुरु से संबंध हमेशा बनाए रखें। तो उनसे संबंध बनाए रखेंगे तो हम लोग भी एक दिन योगी हो जाएंगे, हुए नहीं है हो जाएंगे, ये पक्की बात है। जो जोड़े रहेंगे अपने गुरु के विचार से अपने को, तो क्यों नहीं हम भी
जुड़ जाएंगे उस परम सत्य से, जुड़ ही तो गए हैं, महसूस नहीं होता है, हर वक्त तो उसकी छाया दिखाई देती है, हर वक्त उसका उल्टे में भी दिखाई देता है। ये नहीं कि आप अहंकार करें तो दिखाई दे जाएगा कि कैसे अहंकार, एक दुखी होना होता है, एक अहंकार करना होता है, दो बातों में बड़ा फर्क होता है। एक गुस्सा होके हम नहीं बोलते हैं अहंकार से, वो एक अलग बात होती है, दुखी होते हैं एक, तो वो तरह तरह के हमारे फेजेस होते हैं जीवन में, तो उस सारे फेजेस में देखेंगे कि हम अपने, अगर अपने को चेक करते रहते हैं कि किस कारण से हम दुखी हैं या किस कारण से हम अशांत हैं या किस कारण से हमें दूसरे से चिढ़ हो रही है, सिर्फ बोले ना सब्जेक्ट हम अपना रखे अगर जीवन में, दूसरा ना रखे, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट हम खुद ही है, तो अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें, उनके विचार पर गुरु की बोले गुरु ध्यान में रहे तो हर वक्त दिखाई देगा कि गुरु, कबीरदास ने कहा था ना कि पाछे लागा हरि फेरा कहत कबीर कबीर। आज हम लोग अपने लिए भी ये बात बोल सकते हैं, 200% हम इस सत्य को अपने जीवन में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, पक्की बात है कि पाछे लागा गुरु फिरा कहत गुड़िया गुड़िया, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना देखते हैं कि छोटे उल्टा करो अभिमान से करो तो वो भी प्रकट होता है, अभिमान में अगर आ जाओ एक क्षण के लिए भी तो, और अगर उसमें आओ परमात्मा में रहो तो कैसे वो बिछा भी रहता है सब तरफ, तो बिछाई तो है वो हर रूप में हमारे पास, उल्टे में भी सीधे में भी वही तो है। यही भक्त को अपनी आंख सीधी रखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करना, सीधी आंख रखे, नाम रूप से अंदर से वास्ता नहीं रखे, अंदर से परमात्मा से वास्ता रखे, बाहर खेल में नाम रूप तो है ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा, लेकिन अंदर एक ना दो, अंदर से गुरु देखे, अच्छा भी बुरा भी, बोले यहाँ भी वहां भी, कहीं कहीं अकेलापन नहीं लगेगा भक्त को, कहीं नहीं लगेगा, जब सब जगह उसको प्रकट करके रहे तो बोले वही देखो कितने रूप में आता है, अभिमान पे दृष्टि रखो, देखो जहां जहां अभिमान करते हैं वहां वहां जो है ना वो दूसरे अशांति के रूप में भी कहीं दिखाई देगा, या कोई बेरुखी भी हमसे करता है, या हमारे पास बैठना नहीं चाहता है, उसी कारण से तो नहीं बैठना चाहता क्योंकि हम अभिमान करते हैं, अभिमान तो अभिमान अपना नहीं दिखाई देता, दूसरा गलत दिखाई दे जाता है, यही हमारी लोगों की भूल है, हमेशा बोले ना अपने सब्जेक्ट में रहे, जहां भी रहे जैसे भी रहे, बोले एक पत्ता भी बिन उसकी मर्जी के हिलता नहीं है, एक पलक भी झपक नहीं सकती बिन इच्छा के उस मेरे मालिक की, तो बताओ दुनिया कैसे हिले हमारे विपरीत, हम लोग समझते हैं सब लोग खराब, मैंने खराब कोई नहीं, हमारा मन ही द्वैत देख के अशांत रहता है, हमारा मन ही इज्जत नहीं कर पाता है दूसरे की, हमारा स्वभाव है अपने आप की तारीफ करना, दूसरे की बेइज्जती करना, ये हम लोगों का स्वभाव, बोले इस स्वभाव को छोड़ना पड़ता है, हर एक में वो हर दिल में वो रम रहा है ना, तो हर एक की इज्जत करे, गुरु जी ने हम लोगों को ये सिखाया, इज्जत कैसे करे, इज्जत बोले कोई भी है सबकी इज्जत होती, जैसे हमें अपनी इज्जत की परवाह होती वैसे दूसरे को भी तो इज्जत चाहिए, उसे भी तो बेइज्जती से अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग बेइज्जती करते हैं बहुत जल्दी जल्दी,
अच्छाई के कारण बेइज्जती करने लगते हैं, वो भी गड़बड़ है। वो करके भी बेइज्जती, अच्छा अच्छा करने के चक्कर में बहुत बेइज्जती करते हैं, वो भी गड़बड़ है। सब तरह से इंसान इंसान है ना, तो अगर हम अपने को इंसान मानते हैं तो दूसरा भी तो इंसान है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, नौकर है मालिक है, कोई भी है, बच्चा है, हर एक की अपनी इज्जत होती है। अगर हम उससे इज्जत को बरकरार रखते हुए कर्म अपना करते हैं तो भगवान भी फिर हमारी इज्जत को बरकरार रखते हुए अपना काम करता है। तो इसलिए हमेशा जो है ना, कभी भी किसी को बेइज्जती नहीं करे, अपमान नहीं करे, ये सबसे बड़ा पाप है। बेशक मंदिर मस्जिद ढादे बुल्ले शाह कहता, लेकिन प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, हर दिल में दिलवर रहता, हर दिल में दिलवर है। हम लोग को तो गुरु जी ने ये बता दिया है ना, बोले प्यार भरे दिल में नहीं, उसमें भी तो है, जो घृणा कर रहा है उसमें भी भगवान है, लेकिन अभ्यास करने करते पता चल जाता है कि प्यार भरे दिल को तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसका पाप लगता है जीवन में, क्योंकि प्यार में कोई हो और हम उसको अभिमान से अपने विचार से चलाए या कुछ करें तो हमारी इज्जत करने वाला हो और हम उससे बेइज्जती से अपने अभिमान से बात करें तो बहुत गड़बड़ होता है, ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से जरूर बचना चाहिए, और पल पल में हमारे लोगों को अभिमान आता है, पल पल में, हर पल का अभ्यास है अंदर। एक नन्हे बच्चे से भी बात करे तो इज्जत से बात करे, ये अब प्रैक्टिस है। बोले क्या अभ्यास करना है, क्या साधन करना है, यही साधन करना है, अन्यथा गुरुजी को तो चाहे कितना चढ़ावा हम चढ़ा दें, चाहे कितना हम उनकी आरती उतार लें, चाहे कुछ कर लें, गुरु हमेशा, गुरुजी एक बात बोलते हैं, याद आ गई गुरुजी की बात, कि गुरुजी बोले मंदिर में जाके आरती करता है, बाहर जो है ना गाली देता है, क्यों, चप्पल इधर उधर हो गई देखो उसी को गाली देने लगेगा, ये बात गुरु जी बोलते हैं। तो याद आ गई इस समय कि हम एक ही क्षण में भूल जाते हैं, नाम रूप में आ जाते हैं, अपनी ईगो में आके उस बगल वाले को गाली देने लगते हैं, ऐसा उल्टा व्यर्थ हो जाए या कुछ हमारे मन करना, कैसे वो रीझेगा हमसे, चाहते हैं हम आनंद शांति पाना जीवन में, और एक ही क्षण में हम अपना मुंह बना के पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, अपनी इच्छा के कारण, अपने अधिकार भाव के कारण। अधिकार अधिकार कैसा, मैं फलानी हूँ, मैं कुछ हूँ, तो इसलिए मेरी बात मानो, बन जाते हैं, या मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी बात मानो। अगर प्यार करें तो अपने आप सब झुक के करना चाहते हैं, सभी करते हैं, कौन नहीं करता है, नहीं, हमारी आंख नहीं है जो हम देख सके, यही आंख तो गुरु जी ने बनाई है हम लोगों की, बड़ी अच्छा। किस टाइम में कौन सा जस आ जाए और कौन सा अपजस आ जाए पता नहीं, भगवान केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। कारण कलयुग योग ने यज्ञ यज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना, कलयुग में भगवान ने कहा कि बस भगवान का गुण गाए, भगवान में ध्यान रखे, उसकी सब कुछ ध्यान धारणा हो जाती है, वो भी दिल से ध्यान से। हम लोग कितने लकी हैं,
कि हम लोग को बस खाली गुरु जी से आंतरिक लगाव और आंतरिक प्यार हो तो हम सब संसार के कर्म करते हुए भी हमारी भगवान जी हर चीज में पूजा करा देते हैं, हर चीज में ध्यान धारणा पूजा सब पूरी करा देते हैं और इसका फल हम लोग ने तो खुद ही प्रत्यक्ष देखा है। तो बहुत हम तो ये समझेंगे कि हम लोग जैसा लकी बहुत रेयर है, हम लोग के जैसा लकी जो हम लोग ने ऐसा गुरु पाया कि मेरा रोम रोम खिलाया। मनुष्य विषय के रस में डूबा रहता है और भगवान भी पाना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको भगवान का रस पीना होता है उसको संसार के सारे रसों को जलाना पड़ता है, जिसको भगवान का रस पीना होता है उसके संसार के सारे रस अपने आप जल जाते हैं कि गुरु के आकर्षण और प्यार से वो संसार के रस में उतना रस नहीं पाता जितना पहले पाता रहता रहा होगा। ये अगर खुद से जलाना पड़े संसार के रसों को तो हम समझते कोई भी नहीं जला पाएगा हमारे ख्याल से, जहां तक हमारी बुद्धि कहती है, जहां तक हमारा दिमाग कहता है। हम लोग का तो संसार का रस खत्म हुआ ही गुरु जी के रस के मिलने के कारण, उसके आगे संसार के रस में कहीं मजा ही नहीं आया, आना खत्म हो गया। जहां पहले रस आता था वहां रस नहीं आ रहा है, जहां पहले विषय में बहुत घंटों बैठे रहते थे, 8-8 बजे रात तक खेलते रहते थे, उसमें अब 1 सेकंड बैठने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? भगवान ने इतना ज्यादा अपना आकर्षण दे करके उस अपनी ऐसी खींच से हम लोग को खींच लिया कि उसके आगे जो पहले परम रस थे वो सब फिसड्डी हो गए। तो ये कहे कि संसार के रस जलाना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार का रस अपने आप जल जाता है, संसार के रस अपने आप छूट जाते हैं, हम नहीं छोड़ पाते, ये हमारा बार बार मानना है कि गुरु जी के मिलने के बाद, गुरु जी के प्रेम होने के बाद, उनका संग करने के बाद संसार की चीजों से मन ही अपने आप हट गया, हमने कहां हटाया। वो तो उनकी उनकी इतनी आकर्षण था, उनका प्यार में इतना खिंचाव था कि उसके आगे कहीं भी जब सब कहीं से ड्यूटी व्यूटी अपने जो निपट गई उसके बाद भी कहीं कहीं ठहर नहीं सकते, कहीं रस नहीं है क्योंकि मजा क्या है, बस उनके सामने बैठे रहे वो चाहे कुछ करवाए, चाहे काम करवाए, चाहे ना करवाए, सामने वो रहे कि तुम सामने बैठे रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, बाप जोर से नहीं अंदर अंदर गाऊं भले ही, लेकिन आप सामने रहिए, इससे बड़ा रस, और अभी भी आंख बंद करिए, भगवान जी का ध्यान करिए, इससे बड़ा रस किसी भी चीज में नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग संसार से बचे रहते हैं, वरना हम अगर खुद बच के आए होते या खुद जलाते संसार के रसों को तो आज खुद चले भी गए होते, जला ही गुरु जी की वजह से, उन्हीं की मेहरबानी से। संसार के ये तो बाहर के रस हैं ना, ये तो बाहर के रस हैं, ये अपने आप ही क्यों, लेकिन संसार का रस और भी है जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहर नहीं अंदर लेते हैं, अंदर भी तो लेते हैं। हाँ। जैसे अंदर रस क्या है? अंदर रस है स्वार्थ का, अंदर रस है मेरे, मैं और मेरे का, ये सबसे बड़ा रस है, मैं और मेरे। तो मैं और मेरे के रस से भी वो कैसे हम लोगों को उसका दर्शन करा के और अपने विचार पे चला के उस रस से परिपूर्ण भी करते हैं और मैं और मेरा पूरे विश्व में कर देते हैं, पूरे विश्व में मैं मेरा दिखने लगता है, हर जगह मैं मेरा दिखने लगता है, मतलब तू और तेरा। इसमें गुरु जी लाए असली रस ये है, जहां तू और तेरा हो जाए, हर बात तू और तेरी हो जाए, ये बात भी तू है और ये भी तेरा है। तो बोले ऐसे तू और तेरे अंदर के रस जो होते हैं ना, अंदर का अभिमान का रस होता है, अभिमान सबसे बड़ा है रस, उसमें रस क्रोध का है, उसमें रस ईर्ष्या का है, ये सब भी रस है, इसमें भी इंसान डूबा रहता है। तो अगर गुरु को मानता है, गुरु के विचार को अपनाता है, तो इन सारे रसों से भी धीरे धीरे निजात मिलने लगती है।
और एक सत्य का रस जो होता है ना, वो चाहे बाहर कैसे भी रस में हो, उस रस में उसी का दर्शन होता है। दर्शन उस अंदर वाले प्रभु का होता है, तो हर रस भी रस वाले हो जाते हैं। एक भजन हम लोग गाते हैं ना, जिसमें है, अभी समझ में आई ये बात, एक कहते हैं एक भजन वो गाते हैं, उसमें लाइन है, माही वो गबरू है, मेरा गुरु वो गबरू है कि उसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है। तो जब हम लोग गुरु जी के विचार में, अभी अगर गुरु जी ने वो रस ना पकड़ाया होता हाथ में, तो गुरु जी के शरीर के बाद तो आफत हो जाती, कैसे करते। तो गुरु जैसे ना दिखने लगता है, अच्छे में नहीं बुरे में भी सब में वो जब उसका, तो एक रस से परिपूर्ण रहता है भक्त अंदर, वो रस से विहीन नहीं होता है कभी भी, च्युत नहीं होता है कभी भी, खाली नहीं होता उस रस से, वो रस जो है ना उसको मिलता है। सच्ची बात है नहीं? सही बात है। ये आप उस रस में आके देखिए तो देखो ना, वो रस और काम करता है। वो रस जो है ना बाहर के रस में आनंद भी लेने देता है और अटकने भी नहीं देता है, कहीं फंसने भी नहीं देता है, कहीं भी नहीं फंसता है, मन पर फंसता भी नहीं है किसी, ना अच्छे में ना बुरे में, लेकिन अंदर में उस रस में रह के उस रस का भी मजा ले लेता है बाहर के रस का। बोले ना, अब तो ये हो गया गुरु जी ने, एक बार ऐसा होता है, एक बार साधक को सब छोड़ना पड़ता है गुरु के विचार से, एक बार सारी इंद्रियों पे काबू करना होता है जो सच बात है, एक बार तो पूरी माया से निजात पाना है के लिए गुरु की, मतलब गुरु पक्का पक्का हम लोगों को अपने विचार से उठाता बैठाता चलाता दिखाता कराता सब है, तो वो करे बिना काम भी नहीं बनने वाला। अंदर का रस चाहिए, अब तो ना वो चैतन्य का रस जो है अखंड धार वाला, बोले वो रस ही तो गुरु जी हम लोग सबको देना चाह रहे हैं और रस में ही तो लाना चाह रहे हैं। वो रस है, ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने गुरु को देखा है, जाना है, तो ये नहीं कह सकते कि वो रस नहीं है। वो सारे रस हम लोगों के लिए, अगर बाहर की बात करूं, बाहर के रस की बात, तो हम यहाँ पे नहीं जाते थे पिक्चर, तो जब इनकी डेथ हुई उसके बाद गुरुजी कितने साल अपने साथ पिक्चर जरूर दिखाते थे, रेस्टोरेंट में खाना जरूर खिलाते थे, पहने को तो गुरु बाहर का ही रस देने के लिए बात कर रहा था एक तरीके से अगर देखा जाए तो, लेकिन बाहर के रस में भी उसने अब कितना तृप्ति कहाँ हुई किसी की, बाहर के रस से छूट गया, लेकिन छूटा, लेकिन फिर भी अंदर में तो अभी बहुत रस और है, तो वो सारे रसों से हटा के एक खालिस शुद्ध रस में लेता है, ब्रह्म के आनंद में लाता है। अब ब्रह्म का आनंद वास्तव में बहुत मजेदार है, जिसमें आप ब्रह्म ब्रह्म करके देख रहे, बोले मौत में भी वो दिखाई देगा, प्रहलाद को तो वही पिद्र जला दो क्या दिक्कत, मीरा को क्या दिक्कत है, बोले विष दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वो ऐसे रस में गुरुजी हम लोगों को लाना है, बहुत बड़ी चीज देना चाहते हैं, बहुत बड़ा, लेकिन वो मिलता तभी है जब सतगुरु जीवन में हमारे होता है तब। पढ़िए, जिसको भगवान का रस पीना होता है उसको संसार के सारे रसों को जलाना पड़ता है, दोनों रस सहने वाला मेरे सामने आ नहीं सकता। पहले के ऋषि मुनि जंगल में जाकर क्यों तपस्या करते थे, कारण भगवान को पाने के लिए एक तरफा होना पड़ता है, भगवान आसानी से नहीं मिलता। तुम चाहो कि दुनिया के रस भी भोग ले और भगवान भी मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान को पाने के लिए संसार के विषयों को तीली लगा कर जलाना पड़ता है, ये मन पग पग पर गलती करता रहता है। खुशी भी कई प्रकार की होती है, एक खुशी होती है भगवान से, गुरु से,
एक खुशी होती है महफिल से, महफिल की खुशी हमेशा नहीं रहती, भगवान की खुशी हमेशा बरकरार रहती है। पूजा, गुरु जी की पोती की खुशी हमारे से है, यानी गुरु से है। जब तक इसकी ऐसी कंडीशन रहेगी, ये यहाँ सत्संग में आएगी। जिनको परमात्मा से अनुराग होता है उसको जगत कभी अच्छा नहीं लगेगा। परमात्मा को पाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य और वास्तविक ज्ञान वही होता है जिसमें किसी से आंतरिक लगाव न हो। गुरु मनुष्य को कहीं विषय पार नहीं करने देता। हमको तुम्हारा चेहरा देखते ही मालूम हो जाता है कि तुम्हारी खुशी संसार से है या कि भगवान से है। जिज्ञासु को हमेशा पढ़ते में छिपे रहना चाहिए। क्या कहते हैं गुरु जी ने कई बार कैसेट में भी बोला है, क्या आता है, कोई आता है तो पाउडर लगा के आता है, ये करता है। किसी भी भक्त को कह रहे हो, जनरल बात है ये, क्या पाउडर लगा के आता है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम विशेष समय पर पाउडर लगा के आते, हम हमेशा ठीक रहते हैं, हमें ठीक रहना चाहिए, वो दूसरी बात है। लेकिन गुरु जी का कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम करो जिससे तुम भी विषय में फंसो और दूसरा भी विषय में फंसे, डबल लॉस हुआ। तो गुरु जी इसके लिए मना करते थे। गुरु जी ये नहीं कहते थे कि ठीक से ना रहो, पाउडर ना लगाओ, तेल ना लगाओ, ये सब नहीं मना करते थे। लेकिन वो कहते थे उस उद्देश्य का तुम्हारा क्या है लगाने का। एक तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम साफ सुथरे ठीक ठाक अच्छे रहो, वो अलग है। एक पर्टिकुलर किसी के वजह से लगाना, किसी को दिखाने के लिए करना, तो उसमें गंदगी आ गई। तो गुरु जी डांटते रहे अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा पहनना ओढ़ना ये सब करना पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। गुरु जी अपने हर भक्त का भला चाहते, वो ये नहीं चाहते कि इसकी वृत्ति लग रही है भगवान में कहीं फंसे, और ये तो फंसे दूसरे को फंसा दे, ये गुरु जी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए गुरु जी हमेशा क्यों ऐसा बोलते थे, उनको किसी से नाराजगी या कोई ये नहीं था। वो तो चाहते थे मेरे भक्त अच्छे लगे, उनका थोड़ी था कि मेरे भक्त साफ सुथरे न रहे, बहुत चाहते थे। उदाहरण दे आपको इसी बात का जो आप बता रहे, सच्ची बात है जो गुरु जी की, मेरे पास तो इसका उदाहरण है, पूरा अनुभव है। हम गुरु जी जो है ना टहल रहे थे दिल्ली में, जब दीदी के वहां गए थे तो टहल रहे थे, तो रास्ते में चार लड़के जो है ना उधर से आ रहे थे सामने से, तो मुझे देख रहे थे। हमने नहीं ध्यान दिया था, और गुरु जी ने देखा होगा उन लड़कों को, तो बस दो चार गाली देते हुए निकले। जब गुरु जी तब हम ध्यान गया थे, साले इतना बड़ा भगवान जा रहा है, आराम जाते देख रहेंगे, सुंदरता को देख रहेंगे, जवानी को देख रहे, इतना बड़ा भगवान जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, ये ऐसे करके जब बोले ना, तो और फिर बड़े बाद में गुस्सा हुए हमसे बहुत ज्यादा, बोले तेरे रूप को देखता है कोई, तेरी जवानी को देखता है, तू अंदर से तुझे क्यों देखा उसने तुझे। हमको बहुत लगे कि हमने हम देखते हैं, हमें डांट पड़ती है, वो तो चलो सही बात है, अब दूसरे ने हमें देखा तो हमें डांट पड़ रही है। हमको बड़ा मतलब यहाँ पे दिमाग में मेरे ये चली बात कि भाई हम देख रहे थे तब तो चलो ठीक है, अब दूसरे ने देखा हम रास्ते में, अब हम क्या करें, इसमें हमारा क्या दोष। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे थे, बड़ा घर आके सत्संग में गाली खूब दी उन्होंने, अच्छी तरह से धुन डाला, भून डाल देते अपने जुबान से ही, तो वो तो सही है, तो गलत हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं गलत होने का उनके। तब विचार करते करते एकदम ये विचार आया कि हाँ उसने हमें देवी करके क्यों नहीं देखा, उसने एक जवानी और सुंदरता के रूप में क्यों देखा, वो इस रूप में भी तो देख सकता था। जब ये विचार जैसे ही आया अंदर में, वैसे गुरु जी खुश भी हो गए तुरंत, ना हमारी बात हुई उनकी, ना उनकी कुछ बात हुई, कुछ नहीं,
लेकिन खुश हो गए गुरु जी उसी समय। जैसे ही विचार मेरे अंदर में उठा कि हाँ इस करके भी तो कोई मुझे देख सकता है, तो ये क्यों नहीं देखा। तो कहते हैं जब आपको एक चीज मिल जाती है कि अब मेरा क्या अभ्यास, अब क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बात जो अभी आप बोल रहे थे वो यही थी कि पहनना ओढ़ना गड़बड़ नहीं है, बट दिखाने के लिए करने के लिए कर रहे हो, तो अपने तुमको देवी की तरह से कोई देखे, तुम्हें माँ की तरह से कोई समझे कि हाँ ये वास्तव में जगत माता है, ये नहीं कि सिर्फ दो की माता तीन की माता है। अपने अपने को ऐसे जो है ना हम लोग बनाए कि तो अच्छा है, और दिखाने के लिए हम अच्छे बन गए तो चार दिन बाद चमड़ी झूलेगी तो कोई पूछने भी ना आने वाला। सही बात है। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, गुरुजी जो है जिस बात के लिए रोक लगाते थे वो बहुत सही होती थी। जरा सी बात अगर बहुत छोटे थे तो हम बिंदी लगा लेते थे तो चेहरा चमक जाता था, और गुरुजी इतना डांटते थे, इतना डांटते कि तुम्हारी तुमको क्यों देखा किसी ने। अब मैंने बिंदी तो गुरुजी के लिए लगाई, गुरुजी टीका लगाते समय भी हिचकते थे कि ना लगाओ इसको टीका, क्योंकि टीका लगाते ही चेहरा चमक जाता था और सब मुड़ मुड़ के देख लेते, कम बड़ी अच्छी लग रही। तो बस गुरु जी को इतना गुस्सा आता था, कहते थे कहीं छुपा ले इसको रजाई के अंदर, ऐसे कर देते थे। तो क्यों करते थे कि उस बचाते थे, दुनिया की नजरों से बचाते, दुनिया झूठ देखती थी, झूठा देखती थी, कौन मेरे को सच्चा प्यार करता था, सच्चा प्यार तो सिर्फ गुरु जी करते थे। लेकिन जो है भटका करके हमारी वृत्ति, जड़ी हुई वृत्ति को नीचे फेंक देते। तो इसीलिए गुरुजी जब भी बचाते थे, किसी चीज के लिए रोकते थे, तो वो हमारी वृत्ति को ऊपर से गिरने ना पाए, नीचे गिरने, और हमारी वजह से दूसरे की भी वृत्ति ना गिरने पाए। अगर दूसरे की गिरी तो वो भी दोष तुम्हारा, गुरुजी कहते थे दोष तुम्हारा, तुम्हारा दोष है कि तुम्हारी वजह से दूसरे की वृत्ति नीचे आई। तो इसलिए जो है गुरुजी जो भी करते थे उसमें बहुत रोकते थे, कभी भी किसी सत्संगियों के सामने आने नहीं देते थे, कहते तुमको अलग टाइम देंगे, तुम लोगों को अलग टाइम देंगे, और सच में देते भी थे, चाहे आधी रात को दे चाहे जब भी दे, लेकिन अलग टाइम देते थे, लेकिन सब सत्संगियों के बीच में कभी नहीं आने देते थे। इसीलिए मेरी कई फोटो भी नहीं है, हम कभी वीडियो देखते रेखा क्या तो मेरी कोई फोटो नहीं होती, तो मैंने कहा हाय राम मुझे तो कभी गुरु जी ने उसमें आने नहीं दिया। एक जगह कहीं मैं गुरु जी के बाल बना रही थी गुरु पूर्णिमा में, तो वो आई, हमने कहा अरे देखो मैं हूँ, तो रेखा हम तो पहचान भी नहीं रहे तुमको, ऐसा ही होता था। तो गुरु जी छुपाते थे, इसलिए छुपाते थे कि वृत्ति को ऊपर चढ़ाए। आज उसको उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का कि देखो बिना कुछ करे वृत्ति ऐसे अपने आप ऊपर चढ़ी रहती है। कैसे चढ़ी रहती है कि गुरु जी की कृपा है, असीम कृपा है, संसार की असीम कृपा से ऐसे बिना कुछ भजन किए सब संसार का कार्य करते हुए भी वृत्ति ऊपर चढ़ी रहती है, ऐसे चढ़ी रहती है, तो ऐसे मस्ती रहती है कि क्या होता है। इतना मैं बहुत बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लेकिन इतना मैं काम करती हूँ कि 10 लोगों से ज्यादा, मैं हैरान होती हूँ खुद ही कि देखो भगवान तुमने जो है मतलब देह से देह भाव से हटा हुआ मन है तभी तो काम कर पाता है। शिवाजी कहते भी है ये मत करो वो मत करो वो मत करो, हमने कहा शांत रहिए, बस चुपचाप रहिए, देखिए सब गुरुजी ही कर रहे हैं, हम कर भी नहीं रहे, मेरे आत्मा में तो दम ही नहीं है, आत्मा तो हिलने लगे, लेकिन ऐसे सब धड़ 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 काम होता कि हम क्या बताएं, काम भी होता है और चित्त भी परमात्मा में लगा रहता है। सत्संग खत्म हो जाता है तब भी मेरा मन जो है उसी में लगा रहता है, हैरान होती हूँ। एक ये सब गुरु जी की असीम कृपा है, बचपन से दिया हुआ ज्ञान जो है ऐसा चित्त में, कई बार ऐसे मन में आता है कि अभी प्राण निकल जाए रात को तो मेरा चित्त कहाँ रहेगा, मेरा गुरु जी तुम हो ना, तुम वही रहोगे जहाँ हम रहेंगे, बस अब कहीं सोचने की भी चिंता नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मन जो है मन को फिर गुरु जी कहते थे निरंतर जो है उसका अभ्यास जारी रखना चाहिए। तो सत्संग तो बहुत बहुत आवश्यक है, आपकी आप सबकी बड़ी असीम कृपा है कि जो है चित्त को जो है ऊपर चढ़ाए रहते हो, हर समय जो दोष दिखा करके
चित्त को बढ़ चढ़ाए रहते हो। तो गुरुजी जो कहते थे ना कि ये ना करो, ये कपड़े ना पहनो, ये ना करो, वो इसलिए छुपाते थे। कभी हम बहुत अच्छे से तैयार हो गया तो गुरु जी एकदम कोने वाली जगह में बिठाते थे और उसके आगे खुद आके बैठ जाते थे, जैसे कि पीठ हो जाए, दिखाई ना पड़े मैं। तो ऐसा गुरु जी छिपाते थे, वो उनका असीम प्यार था, छिपाते थे कि चित्त वृत्ति जो है आया है तो बचपन से आया है तो पा जाए, ऐसा पा जाए रस पा जाए कि फिर कभी किसी के आगे जो है भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है। वो तो शादी के बाद जब गुरुजी का शरीर नहीं रहा तब मम्मी ने कहा था करवा चौथ रखो, सिंदूर बिंदी लगाओ, ये सब करो, ऐसे ऐसे मम्मी ने कहा था। वो दूसरी तरह बात थी, लेकिन जो है गुरुजी जी ने जो भी कहा सब बहुत बहुत असीम कृपा है, उनकी कृपा का फल अब नजर आता है, दिखाई पड़ता है। अब दिखाई दे, कहते नहीं हमको दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई। अगर गुरुजी अपनी वृत्ति को जब देह से ऊपर महसूस करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि देखो हम कितनी ऊंचाई पे हैं, कहाँ पे दूसरा है, कहाँ पे हम है, ऐसे ऐसे महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। और आप सबकी कृपा भी है, देखो इस सत्संग से जुड़ पाए, नहीं तो हम तो थे नहीं। हमने कहा भी एक बार तो पप्पू ने कहा तुम सत्संग से जुड़ती क्यों नहीं हो, इधर ये नहीं है। फिर वीनू ने भेजा, इस लिंक भेजा, फिर भी ना मिले जय सतगुरु की, जय सतगुरु की। हमें समझ ना आया कि जोली तो बंद कर देती है, वो तो कहती है जय सतगुरु की, बस तो बात खत्म। तो हमें समझ में आया कि ये पासवर्ड है ये। तो हैरानी हुई ना। फिर जो है अब जुड़ गए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। आप सब की बहुत बहुत कृपा है। देखो सुबह 5 बजे उठ के नहा भी लेती हूँ तो भी मस्त रहती हूँ, पर क्या बताए, भगवान की बड़ी कृपा। सबको इतनी ठंड लग रही, मुझे नहीं लग रही बिल्कुल भी। भैया पढ़िए। यही कह रहा है, ये जो आज ये जो ताकत है ये उसी बचत का नतीजा है। आज तो है बचत का नतीजा, नहीं तो अपनी अपना मन तो इतनी जगह आप बोले जरूरी नहीं है छू छा के रस लेना। इंसान आंख से, सोच से, सब तरह से, सब तरह से काम का कभी भरोसा नहीं सम करना। गुरुजी कहते थे अंत समय तक इन विकारों का भरोसा न करना कि छूट गए हैं, कभी नहीं। इवन गुरुजी कहते थे बुढ़ी औरतों को देखो कामना काम का रस है, और गुरुजी दिखाते थे, कहते थे देखो कितनी बड़ी औरत है और देखो किस लड़के में उसका रस जा रहा है। और सच में गुरुजी जो दिखाते थे वो सत्य था। दूसरे लोग भले कहें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल सत्य था। कभी भी हमसे कई लोगों ने कहा कि गुरुजी जो हमको ऐसा हमको लांछन लगाते, हमने कहा अब देखो तो हमने कहा कि बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी, जो तुम गुरुजी के सब सही उसको नहीं समझ पा रही हो। लेकिन हम क्या बताएं, लोग सब समझते भी नहीं, और गुरुजी के सत्संगी है, गुरुजी समझाए इनको। ऐसे ऐसे गलत बात कह देते थे कि गुरुजी हम पर लांछन लगाते, जो लांछन लगाते वो बहुत सत्य है कि मन का कभी भरोसा न करना, किसी हाल में मन का भरोसा न करना। मन अंत समय तक देखो वो ऋषि थे, कितने ब्रह्म ऋषि थे, और लेकिन एक हिरण में फंस गए। तो देखो कहां हिरण से जो है, फिर हिरण का जन्म लिया, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। देखो ऐसे भटक जाता है इंसान, इसलिए हमेशा गुरु को नमन करते रहो और अपनी वृत्ति को गुरु के चरणों में बंधाए रखे। तो ये हम अपने को लिए कह रहे हैं कि हम मेरा मन बंधा रहे गुरु जी के चरणों से, तो उन्हीं की कृपा बनी रहे। नहीं क्या भरोसा कब भटक जाए, है ना। कहते तो बहुत कुछ है, अभी हमने बोला उसी में भटक जाए मन कि हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं ना, हम बड़े कमीने हैं सच्ची में, हम बड़े कुत्ते हैं, इतने नीच है कि क्या बताएं। हमारा मन बहुत नीच है, बहुत नीचे आ जाता है, बिल्कुल करते करते भजन करते करते नीचे कहां गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है। इसलिए अपने मन का कभी भरोसा न करें।
हम भी न करें, कोई न करे, अपने मन का भरोसा गुरु पर भरोसा रखो और निरंतर रगड़ाई करते रहो। गुरु जी कहते थे निरंतर नित अभ्यास नित वैराग से ही चित्त ये काम बस में हो सकता, वरना तो इस चित्त को कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ कहाँ फंस जाए, कहाँ कहाँ खिसक ले। इसी फिसलन की साबुन की सीढ़ी है ज्ञान, ऐसी साबुन की सीढ़ी है कि चलते 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 पता नहीं कहाँ से फिसल के नीचे खाई में गिर जाए। इसलिए जागते रहो, अपने मन से जागते रहो, जाग जब सोए जब जागे। हम मम्मी के साथ जब सोते थे कभी, मतलब वहीं गोमती नगर में रह रहे थे तब मम्मी के साथ साथ ही दिन रात बिताया करते थे, तो मम्मी रात में भी भजन की लाइनें बोलती रहती थी, आधी रात में भी करवट बदलेंगी, हाथ रखेंगी पेट पे मेरे और उसके बाद भजन की लाइन बोलेंगी। हम कहते देखो मम्मी आप सोती नहीं है, कहती हाँ सोते हैं, लेकिन फिर भजन की लाइनें कैसे बोलती रहती थी, क्योंकि अंतर मन जागता रहता था निरंतर अभ्यास में, निरंतर एक पल को भी अभ्यास नहीं। देखो सुबह 6 बजे सत्संग करती थी कि हम जल्दी चले जाते थे वहां पर उनके पास, तो सुबह 6 बजे सत्संग, फिर 9 बजे हम ऑफिस जाते थे तो वो उनको लालबाग छोड़ करके ऑफिस चले जाते, फिर दो ढाई बजे 3 बजे जब भी वहां से हम मम्मी को लेते थे तो फिर उसके बाद घर आकर वो रंजना आती थी वहां पर, फिर उनके लिए उसके लिए सत्संग करते थे वो, फिर उसके बाद जो है शाम को 5 बजे से सत्संग 5 से 8 बजे तक। सोचो एक पल को मम्मी सोती नहीं थी, बहुत कम लेटती तो थी लेकिन बस ऐसे निरंतर। और उसके बाद भी एक हमारी टीचर का सितार वाली टीचर के हस्बैंड की डेथ हुई तो हम मम्मी को लेने गए, मम्मी मेरे साथ चल पड़ी रात के 12 बजे तक उसके यहाँ सत्संग किया, उसकी लाश पड़ी थी और मम्मी ने सत्संग किया और वो जब तक यह स्वस्थ मतलब उसमें आ नहीं गई तब तक मम्मी ने छोड़ा नहीं। हम रात को 12 बजे मम्मी को घर वापस लेके आए, तो हम कहे देखो मम्मी कैसे तत्पर रहती हैं कि किसी भी जीव को जरूरत है तो तुरंत जो है सहायता के लिए दौड़ पड़ती थी, कैसे भी चल पड़ती थी। तो दूसरे को जगाते जगाते वो खुद ही जागी रहती थी, खुद ही जो है उसमें आत्मा बल में रहती थी। तो वही हम वही तुमको भी करना चाहिए, हम सबको वही करना चाहिए, निरंतर निरंतर जो है खुद भी जागे दूसरे को भी जगा दे, सेवा में लगे रहे, ऐसी सेवा में लगे रहे सच में। तो भैया पढ़िए, आपको तो आता भी नहीं ज्ञान, अब ऐसे बकर बकर बोलने लगते बीच में, भैया बोलिए। सत्संगी होने का शो करना आसान है पर राम में टिकना आसान नहीं है, चाहे चना भी भीख मांगकर खाना पड़े और हरि नाम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो गुरु की बात मानकर गुरु के सामने ही बंधन काट लेते हैं वो ऊंचे पहुंच जाते हैं, तन का मन का बोलने का देखने का ये सारे बंधन है, इनसे बचो। सदगुरु में मन लगाने पर बेख्याली का मजा आता है। जब सदगुरु भगवान जी जब यंग थे सब लोग जैसे भी टोकते इधर उधर मिट्टी जाने पर या किसी ने देखा उसके ऊपर तो गुरु जी रोकते थे, ठीक है लेकिन इस मन का एज बढ़ जाने के बाद भी ये आश्रय वासना तृष्णा ये कामना वो जवान रहती है। तो उस समय गुरु जी ने ऐसी स्टेज में अभ्यास करवाया जब बिल्कुल सब यंग थी, तो उसका फायदा ये है कि इस समय भी ये वासना ये हमारी इच्छाएं उछाल मारती तो वो नहीं मार सकती, इसलिए गुरु जी ने कितना अच्छा अभ्यास करवाया, उनका साथ मिला जो वो आज कितना काम आ रहा है
उसकी महत्ता आज पता चल रही है कि जैसे ही मन इधर उधर कहीं जाता है तो तुरंत अंदर से गुरु जी की आवाज आती है, ऐसे डांटती हुई आवाज अंदर से निकलती है एकदम से, सबकी निकलती होगी, आती है आवाज, अरे इतनी जिंदगी इतनी हो गई आप फिर इधर झांकता कर रहे हो, सत्संग करते हो, ये क्या कर रहे हो। जैसे गुरु जी अंदर से डांटते हैं तो भगवान जी की अदृश्य रूप में हम लोग के हमेशा साथ रहते हैं, जो अंदर से वाणी आती है, ये जो कान में बोल आता है, क्या आता है, वो यही आता है कि हम तब भी बचाते रहे और आज भी बचा रहे हैं, अंदर से बोल देते हैं, अरे अभी भी तुम्हारी झांकने ताकने की ऐसी आदत पड़ी हुई है, वो अलर्ट हो जाता है आदमी। क्यों? गुरु जी किस समय कितना कितना सबको जगाते हैं, तो ये कितना बड़ा महत्व है। महत्व देखिए तो ये बहुत बड़ा महत्व है कि इस समय भी अंदर से जगा रहे कि तुम्हारा मन इधर गया, इसके बाद क्या होगा, फिर जाओगे थोड़ी दूर और बाद में क्या होगा, फिर दुख मिलेगा, विक्षिप्तता आएगी, फिर परेशान होकर बैठोगे। तो जितना मेहनत करी सत्संग में, इतना ज्ञान सुना, इतना बने और उसके बाद रिजल्ट जीरो कर दिया, फिर आप फिर शुरू करो, नहीं जाओ, रुको मन को, तो वो गुरु जी उसी समय जगा देते, अंदर से आवाज आ जाती है। और ये गुरु जी का हम लोग के ऊपर बड़ी बड़ा महत्व है कि जो हम लोग को उसी समय जगा करके उस स्थिति से बचा ले। गुरु जी का कदम, गुरु जी कहते थे अपने खाल का जूता बना के भी गुरु को पहनाए तो भी कम है, उसका मतलब यही है कि अभी भी हम लोग को अदृश्य रूप से अंदर से बता के जगाते रहते हैं, ये कितनी बड़ी मेहरबानी है। बताते हैं कि अरे तुम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम में कुछ कभी अगर कर रहे हैं, खट्टे सदा से बोल देते, अच्छा अगर ये अपना होता तो ऐसे करते, ये दूसरा है तो उसके लिए ऐसे कर रहे हो, ठीक से करो, जाग जाता है मन, जाग जाता है मन, साधना अंदर से बुद्धि को भगवान जी जगा देते हैं कि नहीं ठीक करो, ऐसा नहीं है। तो उस समय फिर ये जब ठीक हो जाता है तो खुशी मिलती है कि देखो भगवान कितना बचा रहे हैं, तब भी बचाया, अभी भी बचा रहे, अंदर से बचा रहे। तो गुरु जी का महत्व इसीलिए कहा है कि कितने हजार मुंह वाले शेषनाग भी करे तो नहीं कर सकते, जो इतनी छोटी छोटी महीन महीन बातों की धागे ऐसे महत्व है, ये कौन जानेगा जो हमारे अंदर ही अंदर हो रहे हैं। ये तो हम जो बोले तो कोई जाने, ना बोले तो कोई ना जाने, कि महत्व कितना है ये, कि जो हमारे इतनी महीन महीन बातों से हमारे मन को गलत दिशा से जाने में, उसके बाद विक्षेप मुक्ता आने में चला जाए, उन सबसे कितना बचा लाते हैं, ये भगवान की कितनी मेहरबानी है, ये बड़ा भारी महत्व है। सदगुरु में मन लगाने पर बेख्याली का मजा आ जाता है, इसका एक महत्व और है। हम एक दिन जा रहे थे, हमारा मन थोड़ा, भाई मन सबका एक सही है, सबका स्वभाव मन का एक सही होता है, मन का काम एक ही है, तो ये कहे कि हमारा मन ऐसा हमारा वैसा, सबका मन एक सा है, और सबके मन जो है मनुष्य को घसीटने में लगे रहते हैं मन। तो हम जा रहे थे तो हमारा मन थोड़ा सा कुछ नीचे नीचे जा रहा था, सच बता रहे, उतने में गाड़ी का कैसेट हमारा गाड़ी चली स्टार्ट हो गया। अरे जैसे आप समझिए कि ऐसा हुआ, हमको ऐसा लगा कि जैसे मोमबत्ती रखी है और माचिस रखी है, एकदम अंधेरे बैठे, मोमबत्ती में माचिस की आग जैसी लगाई, दम जलने लगी, वैसे ही गुरु जी का कान में जो जैसे शब्द पड़ने लगे, तो हमने कहा हम कहाँ हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, किस बात से दुखी हो रहे हैं, हम कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं आई कि हम दुखी हो और बिना मतलब दुखी हो रहे, ये देखो ये मन है, और ये देखो गुरु जी के शब्द है, कान में पड़ते ही गुरु जी के शब्द टेप से कान में पड़ते ही मन जाके नीचे छुप के कहीं बैठ गया, और हमारा मन जो अशांति में जाने वाला था फिर एकदम फ्रेश सा हो गया। तो गुरु जी की बात, एक एक शब्द, एक एक वाणी में इतनी अद्भुत ताकत है, अद्भुत आकर्षण है कि वो हम लोग को हर परिस्थिति में चैन दे देता है, मन से बचाता है।
मन हमारा हमारे आगे आने नहीं पाता। लेकिन ये जो संभव है, जो 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 जिसने जिसने गुरु का तक संग किया है, गुरु जी का तस सुना है, तो उसको एक शब्द सुनते ही पूरी सीरीज दिमाग बनने लग जाती है और मन ठंडा हो जाता है। फिर सोचता है अरे कहाँ पड़ गए थे इन ख्यालों में, ना ये जो ख्यालों में पड़े थे ना वो स्थिति है, ना वो स्थिति थी, ना वो स्थिति आने वाली है। उस स्थिति को याद करके तुम दुखी हो रहे हो, कैसे बेवकूफ आदमी हो। अरे गुरु जी का इतना बढ़िया सत्संग चल रहा, सुनो इतनी बढ़िया बातें आ रही, सुनो, मन एकदम फ्रेश हो जाता है। ये बात हमेशा होती है, क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे, सत्संग का क्यों महत्व है सुबह शाम सुनने का, कि मन गाफिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मन गाफिल न हो, गाफिल विचार मन में हरि नाम क्यों बिसारा। जैसी हरि नाम हमारा धीमा हुआ, मन गाफिल होकर हमको इस संसार के विचारों में ले गया, और वैसे ही गुरु जी को कैसे आवाज आई, फिर मन एकदम जाग गया, गुरु नाम हमारे अंदर फिर जागृत हो गया, सब फ्रेश हो गया। जब हम गुरु जी के विचार से, वाणी से फ्रेश हुए, तो मन कहाँ, फिर मन कहाँ टिक सकता है। मन ऐसे भागता है कि जैसे मेरे बदे करके सांप भाग जाता है, वैसे गुरु जी की वाणी आते ही मन ऐसे भागता है जैसे उसके न हाथ है न पैर है, कहाँ गायब हो गया। तो गुरु जी की वाणी, गुरु जी का अट्रैक्शन, उनके शब्दों में इतना अट्रैक्शन है कि सारा का सारा दिल दिमाग माइंड एकदम से उसमें चला जाता है, गुरु जी के ऑरा में चला जाता है, गुरु जी के आकर्षण में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, मन में ठंडक आ जाती है, मन चला जाता है, हट जाता है। फिर लगता है देखो कितना अच्छा था, ये कैसेट बज गया, कैसेट सुन लिया। अगर कैसेट ना हो रहा होता, भी चल लगा होता, ऑन ना होता, तो अभी हम इन ख्यालों में कितनी दूर जाते और कितना दुखी होके फिर लौटने में कितनी दिक्कत होती। पैदल चल के और पैदल चल के लौटना आसान होता है, मन के विचार के साथ अगर बहुत दूर चले गए उसको वापस लाना बड़ा कठिन काम होता है। मन का जो चला हुआ रास्ता है वो वापस लेके आना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए गुरु का हमेशा गुरु 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 और सत्संग सुबह शाम, सत्संग का मनन चिंतन निधि ध्यासन करते रहने को क्यों कहा गया है, यही हमको बचाता है, यही हमको विक्षेपता में जाने से बचाता है। ये इसका प्रत्यक्ष अनुभव सबको है, खैर, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है इस बात से सबका कि हमने तो बहुत बार देखा जरा मन विक्षिप्त जाता है और भगवान जी का जैसे ख्याल आ जाता है, अरे क्या इसमें दुखी होते हैं फालतू, न ये टिकने वाला न वो टिकने वाला, न ये विचार टिकने वाला, न विचार ये आने वाला न जाने वाला, जहां बैठे हो वही बैठे हो। इतनी देर में इस गाड़ी की उस गद्दी बैठे बैठे तुम कहां तक घूम आए, निकले नहीं शरीर से, पर घूम कितना आए, किसने घुमा दिया, चक्कर लगवा दिया, मन ने लगवा दिया। इसी मन को तो गुरु जी कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। कारज रास से मतलब ये नहीं कि सब काम बनते जाएंगे, कारज रास का मतलब यहाँ पर है कि आपका मन शांत रहे, ये बड़ा भारी काम है। मन का शांत रह जाना सबसे बड़ा काम, मन का शांत होना है। काम आपने मनो कर दिया, मन शांत रही तो कुछ नहीं किया, अब मन शांत है आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं आप आराम में है। ये गुरु का महत्व है, गुरु जी की याद, गुरु जी के वचन, गुरु जी की वाणी, उसका ही प्रभाव है कि आप चाहे मनो काम कर लीजिए, आपको आपका अंदर से ख्याल आएगा हमने क्या किया, कहे थके तुम, कहां तुम कहां थके, थकता मन से है। जब मन कहता है अरे बहुत काम कर लिया, तब थकान शुरू होती है। जब मन ही भगवान के साथ साथ चल रहा है, भगवान के विचार में चल रहा है, काम कर रहा है, भजन उनके सुन रहा है, विचार उनके सुन रहा है, वाणी सुन रहा है, तो थकान में भी नहीं आएगा। तो सारा बवाल सिर्फ मन से है। इसीलिए गुरु जी बचपन से, मतलब बचपन में होता जब से गुरु जी पास लगे तब से मन को ही रोकते आए रोकते आए रोकते आए, ऐसा अभ्यास कर दिया कि अब उन्होंने ऐसी आदत डाल दी जैसे आप किसी की तंबाकू खाने की आदत है उसको थोड़ा तंबाकू जरूरत पड़ती है, वैसे हम लोग जब बहुत देर हो जाए, जब सत्संग किए में बहुत देर हो गई तो कुछ लगता है कि कुछ कमी हो रही है, उस समय याद आ जाती है गुरु जी की, उस समय गुरु जी का ध्यान आ जाता है, तो आप वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं कि जैसे एकदम गुरु जी के सामने बैठे।
तो सत्संग का, गुरु के साथ का, तो गुरु जी की वाणी का, खाली उनका नाम आपके दिमाग में आ जाए तो आपको असीम शांति मिल जाती है। इतना बड़ा महत्व गुरु का किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे मस्तक पर लिखना सतगुरु की तस्वीर। तो हमारा दिमाग हमको परेशान करके कहीं दूर ले जाता है, हमारे मस्तक पर गुरु जी की तस्वीर होगी, हमारे विचार में गुरु जी का ख्याल रहेगा, हम कहाँ फंस पाएंगे ना। तो मेरे मस्तक पर लिखना सतगुरु की तस्वीर, नित ध्यान धरूं उनका कोई चाहूं ना जागी, नित ध्यान धरूं उनका कोई चाहूं ना जागी, नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरी जीव्या पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मेरी जीव्या पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मैं और न कुछ चाहूं जब नाम ये आठ होया, कानों में शब्दों की झनकार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हाथों पर लिखना सतगुरु की सेवा, मेरे हाथों पर लिखना सतगुरु की सेवा, तन मन धन सब वारू मेरा सतगुरु ही देवा, जा जाऊं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरा सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछुड़ना हो, मेरा सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछुड़ना हो, पूरा जीवन साथ रहे बस यही तुम लिखना हो, पूरा जीवन साथ रहे बस यही तुम लिखना हो, बनू दास मैं सतगुरु का,
संसार का मत लिखना, बन उदास मैं सतगुरु का, संसार का मत लिखना, इस मत लिखने वाले करतार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, इस मत लिखने वाले करतार यही लिखना, इस मत लिखने वाले करतार यही लिखना। जय सर।